बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा भरे करेले बनाने के लिए हमारे पास आधा किलो है गाय का कीमा और करेले हैं। इस तरह मैंने साबत इनको ऊपर से खुरच के और इसके अंदर मैंने बीज निकाल के इनको और धो के रख लिया है। इनको अच्छी तरह खुश करेंगे दबा के निचोड़ के और इसके अंदर सेंटर में हम कीमा भरेंगे। बाद में जब गल जाएगा उसके बाद टमाटर होंगे 3 अदद और 2-3 हरी मिर्चें होंगी। और कीमा गलाने के लिए सबसे पहले प्याज 1 अदद होगी छोटी स्लाइस में कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून और 1 टीस्पून नमक और खड़ा मसाला जो है इसमें 2-3 सब्ज इलाचियाँ, 2-3 दालचीनी की स्टिक्स छोटी, 2-3 लौंगें और 3 से 4 काली मिर्चें और 1 टीस्पून जो है जीरा होगा, ये मिक्स खड़ा मसाला होगा गर्म मसाला। और इसको हम पहले सबसे पहले हम प्रेशर में प्याज लहसुन अदरक और ये नमक और ये खड़ा मसाला डाल के कीमे को गला लेंगे और उसके बाद इसकी बुनाई करेंगे और उसके बाद इसकी फिर स्टफिंग करेंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे, उसके बाद इसका फ्लेम ऑन करेंगे, उसके बाद इसमें ये धुला हुआ खुश किया हुआ कीमा डाल देंगे। उसके बाद उसमें हम प्याज डाल देंगे, इसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक नमक और ये खड़ा मसाला डाल देंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक 2 मिनट तक इसको जब कीमे का पानी खुश्क हो जाए, अपना पानी जब कीमे का खुश्क हो जाए इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी तकरीबन 2 से 3 गिलास डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। पांच टेबल स्पून तकरीबन ऑयल डालेंगे। इसके अंदर हम अपना जो कीमा हमने बॉईल करके रख लिया था इसको हमने, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा जब, तो हम इसमें इसकी बुनाई करेंगे। इसके बाद इसमें हल्का सा इसको 3-4 मिनट तक चम्मच चलाने के बाद फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तीन चार मिनट इसमें चम्मच चलाने के बाद हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे। नमक चूंकि हमने पहले ऐड कर दिया इसलिए दोबारा नहीं करेंगे, जरूरत हुई तो थोड़ा सा कर लेंगे। सुरख मिर्च है 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, जीरा है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। ये हम सारे मसाले जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। नमक हम चख लेंगे, अगर जरूरत हुई तो हम फिर बाद में शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मसालों के साथ कीमे को ऑयल में भूनेंगे। पहले जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो साथ साथ इसमें हम 1 अदद प्याज काटी हुई
स्लाइस किए वो शामिल करेंगे। इसके बाद 2 से 3 मिनट तक दोबारा से इसका चम्मच चलाएंगे प्याज के सॉफ्ट होने तक। इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे और हरी मिर्चें भी शामिल करते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर तक इनको नरम होने तक इनको भून लेंगे। इसको थोड़ी देर तक हम ढक्कन लगाएंगे और इसके बाद फिर जब तक नरम हो जाते हैं प्याज मटर तो हम इसको कुक कर लेंगे। अब हमें 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम देखेंगे कीमे को पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया और सारे टमाटर और प्याज नरम हो चुके हैं। हम 2-3 मिनट चम्मच चलाने के बाद इसको चूल्हा ऑफ करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ये करेलों को धो के वॉश कर लिया था, अच्छी तरह से निचोड़ लिया था पानी इसका। अब इसके अंदर हम ये हमारा कीमा जो है वो ठंडा हो चुका है तो हम इसको इसके अंदर भर लेंगे। इस तरह से चम्मच से डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर, दरमियाना सा ना बहुत ज्यादा ना कम, और इसको इस तरह से ऐसे दबाते हुए हाथों से। एक सुई के अंदर हमने ये लंबा सा धागा परो लिया डबल करके, बड़ी सुई ले लें और उसके साथ हम इसके मोटे मोटे टांके लगाएंगे। इसका ये फायदा होता है कि आपको जो लपेट के जो भरते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है उसको खोलने के लिए। ये धागा हम एक साइड से जब पकड़ के खींचेंगे तो पूरा करेला हमारा खुल जाएगा, इसलिए इसके 3-4 टांके लगाएं जिससे ये क्लोज हो जाए, इसका फ्राई करते हुए खुले ना। ये हम सारा भर के इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे फ्राइंग पैन में और इसके बाद सर्व करेंगे। इस तरह हमने करके पहले एक करेला इस तरह करके टांके लगाने हैं, फिर इसी तरीके से हमने दूसरा करेला भी इसी तरह दरमियान में ऐसे रखना कीमा इसको, ओवरफिल नहीं करना, बस इतना रखना है कि इसका मुंह बंद हो जाए इस तरह आराम से आसानी से। इस तरह से इस तरीके से करके सुई से उसी का धागा कंटिन्यू करते हुए इस तरह से, बाद में हम इनको कैंची से दरमियान से काट लेंगे फालतू जो होगा साइड सेंटर से, ऐसे करते हुए 3-4 टांके जो जिससे ये खुल ना सके, मोटे मोटे हमने लगाने हैं फासले फासले। इस तरह करके हम सारे करेलों को हम इस तरह सी लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया। अब हमने ये एक पैन लेंगे उसके अंदर ऑयल डालेंगे हस्बे जरूरत। ये हमने सारे जो है करेले इनको हमने इसके सी लिया सुई धागे की मदद से। अब हम इनको एक एक करके शैलो फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फायर हल्का सा गर्म हो गया, अब जितने आसानी से इसमें आ जाएंगे हम उसमें वो डाल देंगे। ये देखें अब हमारे सारे करेले गोल्डन होंगे, उसको पानी ऑयल निकल जाएगा, फिर हम उसको कटोरे में निकालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने अपने सारे करेलों को प्लेटर में अच्छे तरीके से डिश आउट कर लिया, और ये देखें इसके साथ दरमियान में जो एक्स्ट्रा कीमा था वो हमने दरमियान में रखा है, और इसके अंदर इतनी आसानी से जब हम खाने के लिए डिश आउट करेंगे तो हम इसको एक साइड से ऐसे धागे को पकड़ के खींचेंगे इस तरह से, और ये आराम से, और ये पूरा करेला जो है इस तरह खुल जाएगा और खाने में तोड़ के खाने में आसानी रहेगी। तो आप इस तरीके से बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा, मेहमान बहुत पसंद करेंगे और इंजॉय करेंगे इसको। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर खिदमत होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें तो बहुत शुक्रिया, और बहुत जल्द हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।